बहुत बड़ी जजमेंट दी है और वो ये है कि अनवर सरदार साहब को जो उन पर इल्ज़ाम था 376 के तहत, उसमें इनको मासूम समझते हुए और इन्हें उसमें इनोसेंट समझते हुए उस केस से बाइज्जत बरी किया है और जितने भी इल्ज़ाम थे उनको फाल्स करार दिया है। मैं समझता हूँ कि ये अदालत की एक बहुत बड़ी जजमेंट है और ये जजमेंट खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देती है, क्योंकि अनवर सरदार ने गोरा कब्रिस्तान में हमेशा खुदावंद के नाम को जलाल दिया है। मैं आज के दिन के लिए अपने खुदावंद यीशु मसीह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वैसे तो उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन आज का सरफेस काम है कि मुझे खुदावंद ने सुरखरू किया, बहाल किया, मुझ पर एक 70 साल की उम्र में कब्रिस्तान को बनाने, दफ्तर और घर बनाने, सजादारियां बनाने की सजा एक FIR मुझे दी गई और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने FIR कटवाई, इसलिए कि शायद मुझे शनासाई होनी चाहिए थी दोस्तों की, लोगों की, चेहरों की, नीयतों की, लोगों के दिमाग की, लेकिन बहरहाल खुदावंद ने बड़ा काम किया है कि मुझे 1.5 साल के बाद बाइज्जत बरी किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ अदालत आलिया का भी, जिसने ये समझते हुए कि ये केस झूठा है और उसने मुझे बरी किया है, और अपने खुदावंद यीशु मसीह का, और जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की, मेरे लिए पैसे खर्च किए, खुदावंद बाप जिस्मानी के नाम से उन सब के लिए मैं बरकत चाहता हूँ। स्पेशल श्री माइकल साहब एडवोकेट, उनकी टीम और सारे वकील सरफराज खोकर और शकील अहमद बिरक एडवोकेट का और उनके सारे अमले का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी उन्होंने अदालत में और मखालफों को शिकस्त दी। मैं अपनी कौम को ये बताना चाह रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे लोग मेरी जिंदगी से वाकफियत रखते हैं कि मैं जहाँ भी गया हूँ मैंने काफी देर उस सीट पर कायम रहा हूँ। मैं काउंसलर बना 4 बार, नाजम रहा और फिर मैं जिले का काउंसलर रहा, तो इसी तरह मैं जब सेक्रेटरी बना चर्च ऑफ पाकिस्तान में सेंट थॉमस चर्च का 8 साल में रहा, एग्जेक्टिव का मेंबर रहा चर्च ऑफ पाकिस्तान कराची बलोचिस्तान का, तो 2017 से अब तक, फिर मैं कोई 1.5-2 साल से ट्रेजरर कराची बलोचिस्तान चर्च ऑफ पाकिस्तान का हूँ, गोरा कब्रिस्तान में सेक्रेटरी हूँ, पहले मैं मेंबर था, फिर वाइस चेयरमैन बना, फिर चेयरमैन बना, चेयरमैन के बाद मैं सेक्रेटरी बना। और ये एक बंदा जिसको बिशप एवरेस्ट पिंटो साहब ने एक लेटर दिया था, अथॉरिटी लेटर, के वो जाओ काम करे, और उसने जमीन बेच दी गोरा कब्रिस्तान की, आयशा भवानी वाला कोना, CNG स्टेशन और पंप के लिए, पेट्रोल पंप के लिए, और वो तो चला गया, लेकिन उसके बाद उसने मेरी 2-3 FIRें कटवा दी। चर्च ने मेरी कोई मदद नहीं की, स्पेशल जो बड़े हमारे दोनों चर्च ठेकेदार हैं, रोमन कैथलिक और चर्च ऑफ पाकिस्तान, वो भी मैंने खुद निपटा और इस जमीन पर मैंने कब्जा नहीं होने दिया, क्योंकि खुदा मेरे साथ था और लोग मेरे साथ थे, लेकिन इन्होंने पलट के मेरा हाल भी नहीं पूछा। उसके बाद ये FIR जब कटी तो मैंने रابطہ किया, लेकिन दोनों चर्चेज ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी, मेरा ख्याल नहीं किया। 2,68,000 चोरी हो गए, उसकी रिपोर्ट दी, नहीं पूछा, ना मुझे किसी ने पूछा, बल्कि इस जमीन, सर जमीन पाक को, गोरा कब्रिस्तान जिसको मसीही कब्रिस्तान कहते हैं, उसकी बदनामी का भी इनको ख्याल नहीं आया। लेकिन मैं उनका फिर भी शुक्रगुजार हूँ, बिशप साहबान है, सरबराह है, लेकिन सरबराही का अपना फर्ज पूरा करना भी सीखे। मैं उनसे कहूंगा कि कब्रिस्तान खत्म हो रहा है, जमीन नहीं है, कहीं से जमीन मंजूर कराए, CM से मिलके, गवर्नर से मिलके, वजीर आजम से मिलके, क्रिश्चियन बच्चों के लिए कुछ स्कॉलरशिप का बंदोबस्त करें,
क्रिश्चियन बच्चों को बाहर भेजने के पढ़ने के लिए काम करे, ना कि वो गोरा कब्रिस्तान के पीछे पड़ जाए। एक मेरी FIR कटी, मैं जेरी कोफ्त का शिकार था और आए दिन मुझे ये मैसेज दोनों चर्चों से मिलते, इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उन चर्चेस का जो मेम्बरान थे, जो फीस देते थे, उन्होंने जब ये मैसेज सुना तो वो आ गए और मुझे उन्होंने कहा कि आपने कहीं नहीं जाना जब तक आपका केस है, केस का जब फैसला होगा तो जो मुंतखब बोर्ड है वो इसका फैसला करेगा। कल मैंने मीटिंग बुला ली है, बोर्ड के हवाले अपने आप को कर दूंगा, वो मुझे रखे या निकाल दे, उनको फुल इख्तियार है बोर्ड को। लेकिन फिर मैं एक बार कहता हूँ विशेष जबान को, अपने इदारों से चश्मपोशी ना करें और अपनी तवज्जो उनसे ना हटाएं। ठीक है वो चर्च ऑफ पाकिस्तान रोमन कैथोलिक बिशप है, लेकिन दूसरी भी मिशनें हैं जो उनका एहतराम करती है, जो उनको साथ लेके चलना चाहती है, जो उनकी बात मानने के लिए तैयार है, जो उनके हुक्मों को मानने के लिए तैयार है। लेकिन हुक्म जो कुछ जायज होगा तो उसको वो मानने के लिए तैयार है। और मैं अपनी मसीह कहूँगा जो गोरा कब्रिस्तान को शुरू से जानते थे कि इसकी क्या हालत थी, मेरे नहीं बल्कि गोरा कब्रिस्तान के जो मुलाजमीन हैं वो इसकी हालत से भी, और खुदा की मेहरबानी से जैसे ही मैं आया हूँ मैंने जो काम इनसे करवाए और इसकी तरक्की के लिए काम किया, और मैंने मुस्तफा कमाल साहब मेयर कराची थे और मैं इलाके का नायब नाजम था और उस वक्त उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने ये काम किया और उस वक्त कोई तकरीबन 4.5 करोड़ का काम हुआ। मैं इस बात के लिए फिर मुस्तफा कमाल भाई का शुक्रगुजार हूँ और अपने मुलाजमीन का, कि इनको मैंने कभी नहीं कहा था कि मेरी गवाही देनी, मैंने इनको कहा कि जब तुम्हें बुलाया जाए आपने जो देखा है वो सच बोलना है, कभी मैंने उनसे नहीं कहा। और मैं उनका इंतहाई दुख और तकलीफ के साथ ये बात कह रहा हूँ कि पहली बार मेरी जिंदगी में 24 साल गोरा कब्रिस्तान में खिदमत के दौरान मैं अपने मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाह नहीं दे सका, इसलिए कि चूंकि रोमन कैथलिक ने अलहदा बोर्ड बनाया, अपना डेस्क लगाया और वो सारे पैसे तो ले जाते हैं लेकिन तमाम अखराजात, बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, मुलाजमीन की तनख्वाहें, रोजमर्रा के अखराजात, सफाई सुथराई की सारी रकम जो है वो मुंतखब बोर्ड अदा करता है। मैंने मोहतरम जनाब इंतहाई काबिले एहतराम फादर आर्थर चार्ल्स साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप गज से बैठे हुए हैं और सारी रकम इकट्ठी करके ले जा रहे हैं, उसमें से जो तमाम अखराजात अगस्त से कब्रिस्तान के हैं उसमें आधी रकम बोर्ड को अदा करें ताकि अखराजात में आपका हिस्सा हो। उसके बाद परसों फादर जी आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा मैंने बिशप से बात की है और उन्होंने कहा कि ठीक है ये होना चाहिए, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, फादर आर्थर चार्ल्स साहब का स्पेशल और उनकी टीम का और भाई जमील का जो साथ बैठते हैं काम कर रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं कल मेरी यहाँ रहने या ना रहने का फैसला हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं एक मैसेज कौम को दूंगा। मेहरबानी करके जितने चर्चेस मेंबर हैं वो अपनी मेंबरशिप फीस जमा कराएं ताकि तमाम इसके अखराजात पूरे करने में हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। मुलाजमीन को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने बगैर एडवांस के अपना क्रिसमस मनाया, लेकिन मुझे तंग नहीं किया, मैंने कह दिया कि पैसे नहीं है, क्योंकि सरफराज से जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। इसलिए आपको सलूट है मुलाजमीन कि आप खिदमत करते हैं दिन रात, सर्दी में गर्मी में खिदमत करते हैं लोगों की। और मैं एक बार फिर अपनी पूरी टीम का, अपनी छोटी बहन बाबरा का, अमानत दायर खोखर का, छोटे भाई सलीम माइकल एडवोकेट का और उनकी टीम भाई नदीम का और भाई मुश्ताक का शुक्रगुजार हूँ। और इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि आज ये सारे फिर मेरे साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि कोई भी आइंदा ऐसी शरारत करने की जरूरत ना कर सके, ऐसा काम कर देंगे। जिन्होंने ये किया है उसके वो खुद ही अपने जिम्मेदार हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि उनकी फितरत में है डसना, तो वो डसते ही रहेंगे, लेकिन हम अपनी खिदमत करते रहेंगे। खुदा हमें मौका दे, खुदा हमें जहाँ भी कसरत से इस्तेमाल करे, खुदा का नाम बढ़ता जाए और हमारा नाम घटता जाए। आमीन।
जी खुदावंद की बहुत शुक्रगुजारी करते हैं उसके सारे जलाल के लिए कि खुदावंद ने जिस तरीके से अदालत में अनवर सरदार साहब की रहनुमाई की, जिस तरीके से खुदावंद ने उनको सबर दिया, जिस तरीके से वकला ने अपनी वो बख्शी हुई खुदा की बरकतों के साथ अपनी अकल और दनाई से इस केस को चलाया, और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि बाइज्जत तौर पर आज अनवर सरदार साहब कोर्ट से बरी हुए हैं। वो तमाम इल्जाम जो उन पर लगे थे वो अदालत में साबित नहीं हो सके, वो फॉल्स स्टेटमेंट थी, वो फॉल्स एफआईआर थी, और मैं समझता हूँ कि ये जो गोरा कब्रिस्तान पर एफआईआर कटी है, ये मुकद्दस कब्रिस्तान को जो पार्टी बनाया गया, मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपनी सियासत में अपने कामों में ऐसे मुकद्दस अदारों को पार्टी ना बनाए जिससे अदारों की तजलील होती है। हमने ये केस अनवर सरदार के साथ अपने अदारों की इज्जत और बका के लिए भी लड़ा, और मैं खुदावंद का शुक्र गुजार हूँ कि उसने हमें सरखरू किया, हमें कामयाबी बख्शी, और ये सिर्फ हमारी कामयाबी नहीं, हमारी पूरी कौम की कामयाबी है, क्योंकि इस किस्म के इल्जाम जब हमारे इंस्टीट्यूशंस पे बनते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशंस की बदनामी होती है, उनकी सरपरस्ती करने वालों की बदनामी होती है। तो आज के दिन के लिए हम खुदावंद का जितना शुक्र करें वो कम है कि अनवर सरदार साहब को खुदावंद ने बाइज्जत फिर वापस इज्जत और सरफराजी बख्शी है। हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को और सारी इज्जत और जलाल उनके लिए, और इन अदारों को खुदावंद हमेशा अपनी पनाह में रखे और अपना दाहिना हाथ इन पर रखे ताकि जो लोग भी यहाँ खिदमत करते हैं वो अकल और दनाई से इन अदारों की खिदमत करते रहे। शुक्रिया। मैं मसीह कौम को सलाम पेश करना चाहती हूं, और आज का दिन हमारे लिए बड़ी खुशी और शादमानी का जो खुदावंद ने सरदार साहब की ज़िंदगी में बख्शा है कि जो इल्ज़ामात, जो झूठे बतान, जो उनके लिए मुकदमे किए गए थे, आज खुदावंद ने अपना दाहिना हाथ बढ़ा के उन्हें इज्जत के साथ बरी किया है। उनकी मेहनतों का, उनके किरदार का आज खुदा ने उन्हें जवाब दिया है, और मेरे जितने भी टीम थी, जितने भी लोग उनके साथ शामिल थे, मैं एक एक का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपना किरदार बखूबी से अदा किया है, क्योंकि हक और सच को तो खुदा जानता है। तो इस मैं इल्तजा करूँगी कि नेक्स्ट टाइम देखें कोई भी यहाँ पे कब्रिस्तान पे आके कोई भी सियासत ना करे, क्योंकि सरदार ने अपनी मेहनतों काविशों इस कब्रिस्तान को अपना सारा वक्त, अपनी सारी ज़िंदगी कब्रिस्तान के लिए उन्होंने वक्फ कर दी है। तो मैं कहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसी बात करने से पहले सोचें कि कब्रिस्तान में आके कोई ऐसी गलत सोचे ना रखें और ना कोई ऐसी सियासत करें। और मैं खुदावंद की बहुत नहत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमारी मिन्नतों और इल्तजाओं और हमारी दुआओं को सुन के आज यह सरदार साहब को इज्जत के साथ बरी किया है, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो साबित कदम रहे और हर तरह से वो हर एक की खिदमत करते हैं। जो भी आता है किसी के साथ उनका रवैया गलत नहीं होता, जो भी आते हैं उनकी इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं, और वो जो भी उनसे तामन होता है वो करते हैं। और लिहाजा नेक्स्ट टाइम जो भी है मैं उनको पाबंद करती हूँ, और पूरे फादर जी के, बिशप और जितने भी खादमीन हैं कि देखें हक और सच की जंग खुदावंद लड़ता है, और आज उन्होंने खुदा ने उनको इज्जत के साथ बरी की है। थैंक यू। मसीह में उसका शुक्रिया अदा करता हूँ अमानत को कर्ज करूँ कि आज जो सरदार साहब के साथ जितनी भी ज्यादती हुई उनका अदाला खुदा ने किया। ये सारा काम यीशु नासरी का है। हम इस कीसा का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उस बात को यकीनी बनाया और बहस की और अपने बंदा को बरी कराया। जायज साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, तीन नंबर एडीजे का, जिन्होंने इस बात को सच समझा कि बंदा का जो केस है ये झूठा है, इसलिए इसको बरी करते हैं। हम उस खुदा का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी मदद की, तमाम साथियों को, तमाम साहब को, भाई सलीम साहब, मिताक साहब, नदीम साहब और इन लोगों को, दानिया लोगों को, बाबरा को और अनवर सरदार का, सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सरदार की मदद की और इस काम में दुआ की और खुदा ने इज्जत दी। सबका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हमदा अपनी मान में रखे, उसी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुबारकबाद देता हूं अनवर सरदार साहब को कि उन्होंने बड़ी तहम्मुल से, सब्र से एक झूठे केस में अपने आप को बचाया, और उस झूठे केस की वजह से एक बहुत बड़ी बदनामी हुई, लेकिन आज उसका साला हो गया है और
अनवर सरदार साहब फिर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और तमाम विकला का जिन लोगों ने इसमें ताउन किया, तमाम लोगों का जो इसमें शामिल रहे, दुआ करते रहे, बहुत बहुत मुबारक। हमें आज बहुत खुशी हुई है कि हमारे भाई के ऊपर जो नजायज नागजीर बातें कही गई वो सब झूठ था। जब से इससे पहले भी कमेटियां आ चुकी हैं जिन्होंने काफी हद तक कब्रिस्तान को दोनों दोनों हाथों से भी लूटा है। मैसी हमारे सेक्रेटरी थे जिन्होंने यहाँ से सारे ये सामान वगैरह दफ्तर से गायब हो गए। उसके बाद में यूसुफ गिल के जमाने में ये कोना आशिया बोने वाला ये पंप के लिए बेच दिया गया था, और अनवर साहब जो हमारे भाई की वजह से इन्होंने बहुत उनसे टक्कर ली, पहाड़ों से टकराए तो पंप नहीं बनने दिया। और उसके पहले हमारे ये जितनी ये आबादी है तकरीबन 12 एकड़ ज़मीन 200 साल से कमेटियां चल रही थी कि जो कि कब्जे हो चुकी है। यहाँ से जिना की स्टाफ कॉलोनी है और फौजी बैरके हैं, आगे कब्रिस्तान ही है। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कि अंग्रेज पागल तो नहीं थे कि आबादी के अंदर एक गुंबद वाली कब्र जाके वहाँ दफन कर देते, इसका मतलब है हमारा एरिया आगे भी था। अगर सन 1941 की आप फेसबुक देखते हैं तो वहाँ पर रेल के डब्बे आगे नजर आ रहे हैं, वहाँ पर रोड भी बन गया, कब्रिस्तान भी बन गया, और आज दिन तक 200 साल के अंदर किसी भाई ने यह हिम्मत नहीं की कि इनके मुताबिक कोई आवाज उठाई जाए, ताकि 12 एकड़ जमीन कम नहीं है। फिर उसके बाद में जब ये 2002 में आए तो यहाँ पर एक मटर हो गया था यूसुफ गिल के जमाने में, हम लोग सब जेल में चले गए थे थाने के अंदर, जो फिर इनकी कोशिश से इन्हें लोगों को लाए। भाई सलीम का हम बहुत शुक्रिया गुजार हैं, ये हमारे पास थाने में गए, नहीं तो वो कहते थे कि आपको हम कब्र भी नहीं खोदने देंगे। तो इन्होंने बहुत कोशिश करके जिदोजहद से ये सारे मामलात को निपटाया। 2007 के अंदर ये बारिश का पानी हमारे मकानों को टकरा गया था, हमारे पास कोई नहीं आया, ना किसी ने पूछा। यहाँ ठेकेदार, उसका नाम भी अनवरी था, ये दीवार बना रहे थे, इन्होंने बोला यार तुही थे बीमार हो जाओगे इतने पानी के बेचे समझ लो मच्छर दे बैठे हो, चाहे जिन्ना सीमेंट पे सारा सुटो मैं आप उन्होंने गल करना। उसके बाद में सिटी गवर्नमेंट ने आके ये सारा पानी निकाला, सो ये अनवर भाई की बदौलत। इतने इतने पानियों के अंदर ये हमारे पास इधर पानियों में नालियां खदवाते पानी निकलवाते, बड़ी इनकी कोशिश है, और ऐसी ऐसी चट्टाने आई जो मजीद आगे कब्जा करने के लिए तैयार थी। अब्दुल हमीद ये यूनिट इंचार्ज कहता था जी ये जा कचरे की कुंडी हमें कचरा कुंडी बनाने के लिए दे दो। इन्होंने कहा कि इधर मांग रहा है तो साथ में फौजी कब्रिस्तान भी है तो वहां बना लो कुंडी आप, ये कब्रिस्तान कचरा कुंडियों के लिए नहीं है। सो मेरा कहने का मतलब है कि इतने इतने हड्डों के अंदर पहाड़ों के अंदर इन्होंने पहाड़ों से टकरे ले लेकर आज यहाँ तक पहुंचे, और खुदा के कलाम में भी लिखा है उसके कामों का अजर उसे दो। लेकिन बजाय अफसोस ये है कि अजर देने के बजाय उनकी वो नागजीर बातें हक में कही गई कि जो आज इंसान काबिल एतराफ नहीं है।